हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, जैसे कि हम उसमें उसके पूरी थ्योरी को समझ थ्योरी को उसके डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि इसकी कार्य विधि क्या है, इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। सो जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि आज चर्चा करने वाले स्टेप ट्रांसफार्मर की, जैसे कि आप इसके नाम से जान चुके होंगे, स्टेप अप यानी कि जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कह सकते हैं आसान शब्दों में। सो जैसे कि आज के हमारा थ्योरी है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान कराता है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर डायग्राम देख रहे होंगे, पहले हम डायग्राम को समझते हैं। जो ये हमारी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसे एनपी से प्रदर्शित करते हैं, और जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें जो टर्न्स दिए गए हैं इसे एनएस कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो है ये चकोर है, ये ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं इसे, जिसमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स है एक दिशा में प्रवाहित हो रही है। सो जैसे कि थ्योरी में कहा गया कि इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें जब इनपुट वोल्टेज प्रदान किया जाता है, वह इस वोल्टेज को बढ़ाकर जो आउटपुट वोल्टेज प्रदान होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, वह इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा अधिक प्रदान होता है। यानी ऐसा शब्दों में कहा जा सकता है कि जो इनपुट वोल्टेज जो हम देते हैं उससे कई गुना में अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तांबे के तारों के घेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में तांबे के तारों के घेरों की संख्या अधिक होती है। यानी कहने का मतलब जो हमारी ये ट्रांसफार्मर की स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग में तांबे के तारों के जो घेरे की संख्या होती है जिसे टर्न हम एनपी से प्रदर्शित करते हैं, उसमें टर्न काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जो वही बात कीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो उसमें जो टर्न एनएस होते हैं वह प्राथमिक वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक होते हैं। यदि हम गिनना चाहें तो प्राइमरी वाइंडिंग में देख सकते हैं कि जो टर्न है 7 के लगभग है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स है वह 16 के आसपास है। यानी कह सकते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है उसमें प्राथमिक कुंडली में जो वाइंडिंग होती है वह सेकेंडरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम होती है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो तार टर्न जो एनपी कम होते हैं और साथ ही जो इनके तार की मोटाई ज़्यादा होती, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में तार के फेरे ज़्यादा होते हैं और तार पतला होते हैं। यानी कहने का मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें तारों के फेरों ज़्यादा होती हैं और इसके साथ ही जो तार की मोटाई काफ़ी कम होती है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जब लंबी दूरी के लिए करंट पहुँचाते हैं जैसे पावर स्टेशन से किसी शहर में, तब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा का वोल्टेज बढ़ता है, धारा के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग लंबी दूरी तक करंट पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे जब जहां विद्युत का उत्पादन होता है वहां से पावर स्टेशन से किसी शहर तक जब विद्युत की सप्लाई की जाती है तब वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब विद्युत की सप्लाई की जो होती है उसमें धारा का वोल्टेज बढ़ता है लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, कहने मतलब जो स्टेप ट्रांसफार्मर होता है यह वोल्टेज बढ़ाने के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। और हिंदी में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को उच्च परिणामित्र कहते हैं, जो बताया जा रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग इन्वर्टर ट्रांसफार्मर, यूपीएस ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर अतिरिक्त क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां में वोल्टेज की अधिकता उपयोग की जाती है। यानी वोल्टेज हमें अधिक जरूरत होती है वहां इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है। सो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कॉमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। So thanks for watching my video and share karna na bhule।